किसी को भी गिफ्ट देते समय क्या बातें वास्तु के अनुसार ध्यान रखनी चाहिए। हम सभी हर शुभ अवसर पर एक दूसरे को उपहार देते हैं, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो या कोई अन्य अवसर। हर शख्स अपनी शुभकामनाओं और अच्छी भावनाओं से ही गिफ्ट देता है। लेकिन फेंगशुई और वास्तु में 5 ऐसी चीजों के बारे में कहा गया है जिन्हें गिफ्ट देने से लोगों के आपसी संबंधों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, साथ ही उन्हें धन के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, आइए जानते हैं। पानी से संबंधित चीज या शोपीस। अक्सर लोग पानी बहने वाले शोपीस जैसे आइटम गिफ्ट में देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसी चीजों को गिफ्ट के तौर पर देने से सामने वाले इंसान को पैसों की कमी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रोफेशन से संबंधित चीजें बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। दुकान या अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीजें गिफ्ट देने पर मनुष्य को कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भगवान की मूर्तियां या फिर तस्वीर। वास्तु के अनुसार भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें रखने और इनकी पूजा करने का एक विधान होता है, इसीलिए इन्हें खुद ही खरीदना चाहिए। नुकीली चीजें। वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें जैसे पेन, नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार आदि किसी को भी गिफ्ट करने से गिफ्ट देने वाले और लेने वाले के लिए बैड लक होता है। रुमाल। किसी भी अवसर पर रुमाल भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार रुमाल गिफ्ट करने से लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैलती है और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.